और यही हमारा भवाली वाला फ्लैट है और यहाँ पे हम हर छुट्टी में आके मजे करते हैं। फाइनली लास्ट में ट्रिप एंड के टाइम में अंकल जी का भी आशीर्वाद मिल गया, उनसे मिल लिए, बहुत अच्छा लगा। मैन शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ वाइफ। भाभी यहाँ से ड्राइव करके लेके जा रही हैं, अभी तक भैया ने ड्राइव करी थी पूरे पहाड़ों पे और विशी पीछे बैठी है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। मैं हूँ इस समय भवाली में। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग रानीखेत गए थे, हिमालयन दर्शन किए, हेड़ाखंड बाबा के दर्शन किए, उसके बाद नीम करौली महाराज जी के भी दर्शन किए, नैनीताल के ब्लॉगर से भी मैंने बातचीत की। तो सुबह का वेदर कुछ इस तरीके का है। इस समय पार्किंग एरिया में था, यह है पार्किंग एरिया और फ्लैट। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे फ्लैट सिस्टम जो बने हुए हैं वो ये सब फ्लैट सिस्टम है जो यहाँ से ऑप्शन है जाने का। नीचे सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट है, सामने ही हमारे भैया बैठे हुए हैं और धूप सेक रहे हैं सुबह सुबह और सबको हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ से भी ऑप्शन है जाने का डायरेक्ट और यहाँ से भी ऑप्शन है जाने का। और ये यहाँ नीचे की साइड में विला बना है किसी का, बहुत खूबसूरत विला बना रखा है इन लोगों ने। और इधर गार्डन एरिया भी है, तो इस तरीके के विलास बने हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं छत पे। तो ये रास्ता भी ऊपर जाने का है, तो हम लोग ऑलमोस्ट इस वाले रास्ते को चूज़ करते हैं जाने के लिए। और काफ़ी बढ़िया स्पेस है, पार्किंग की पूरी फैसिलिटी है, ये सब पार्किंग एरिया है और वो भी पार्किंग एरिया है। और यहाँ भैया सुबह सुबह बैठ जाते हैं धूप सेकने के लिए। हाँ, ये स्नोफॉल होती है तो यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ से ये सारी जगह घिर जाती है, लेकिन अभी इस समय स्नोफॉल नहीं हुआ है तो धूप एकदम क्लियर है, बहुत तेज। तो ये है भैया भाभी का फ्लैट, अंदर चलते हैं। और यहाँ है विशी, तो विशी देगी सबको फ्लैट का इंट्रोडक्शन। तो हेलो एवरीवन, ये हमारा फ्लैट है भवाली वाला और ये जहाँ पे हम अभी हैं ये है लिविंग एरिया, जिसके सामने ही किचन है, ओपन किचन है। यहाँ पे गीजर का पानी आ जाता है, आरो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट रूम और वो सेकेंड रूम है। फर्स्ट रूम में दो अलमारी रखी है और ये रखा है, बाथरूम अटैच है। यहाँ पे हमने पूजा घर टांग रखा है और ये सेकेंड रूम है, इसमें भी बाथरूम अटैच है। और वो किचन के पास ही बालकनी का एक डोर है, ये फिलहाल तो लॉक है, नहीं तो फिर वहाँ पे एक रास्ता है जो ऊपर को एक जैसे गार्डन एरिया, हाँ गार्डन एरिया के सीढ़ी जाती है। यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे कपड़े वपड़े सब सूख जाते हैं। और यही हमारा भवाली वाला फ्लैट है और यहाँ पे हम हर छुट्टी में आके मजे करते हैं। ये आ गए हम लोग छत पे और सामने का व्यू एक नंबर है, सामने का पहाड़ एकदम क्लियर है, नीला आसमान है, कोई पॉल्यूशन नहीं है किसी तरीके का, एकदम क्लियर वेदर है। और आप शाम खेत भवाली में देखोगे तो सब जगह फ्लैट सिस्टम हो चुका है, सब लोगों ने यहाँ पे फ्लैट खरीद लिए हैं। ज़्यादातर दिल्ली NCR मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग यहाँ रह रहे हैं। और सामने मंदिर है, यहाँ पे पूजा चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है घंटियों की। तो बहुत खूबसूरत जगह है शाम खेत, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और दूर दूर तक आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट ही फ्लैट नज़र आए। और इस वाली साइड ये फ्लैट अभी नया बन रहा है और सामने ये वाले भी सामने, ये दो विला तैयार होने, तो अभी इसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये आ गई भाभी चाय लेके और ये एरिया है हमारा ब्रेकफास्ट करने का, चाय वाय पीने का। गरम गरम धूप में गरम गरम चाय और दिन सर्दियों में दिन की शुरुआत के लिए और क्या चाहिए, क्या चाहिए? और ये हमारा स्पॉट है डेली का, हम लोग सुबह सुबह यहीं बैठ के चाय पीते हैं। भैया तो सुबह उठते ही इस स्पॉट पे आके खड़े हो जाते हैं धूप सेकने के लिए, हैं सबसे पहले आके यहीं बैठ जाता हूँ मैं, 8:30 बजे के बाद यहाँ धूप आ जाती है। धूप की कोई कमी नहीं है यहाँ पे और नेचर की कोई कमी नहीं है, नेचर की कोई कमी नहीं है, नो पोल्यूशन, नो डिस्टर्बेंस, सराउंडिंग साउंड कुछ भी नहीं आ रही, बिल्कुल पीसफुल लग रहा है। किसी बाइक का किसी गाड़ी का हॉर्न तक सुनाई नहीं देगा, अच्छा लग रहा है, इसे स्टील स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, आउटसाइड कोई नॉइस नहीं, सुकून है और समर्स में भी मजा आता है। मजा है,
नो पंखा नो एसी, नो एसी, नो पंखा, नो पोल्यूशन, नो पसीना, नो चिक-चिक, आराम से मजे की जिंदगी। अब जाने की तैयारी हो रही है तो सामान धीरे धीरे नीचे पहुंचा रहे हैं। तो सामान भी रख दिया गाड़ी में। अब हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए और हम जा रहे हैं हल्द्वानी और भैया भाभी भी मेरे साथ जा रहे हैं। हल्द्वानी के बाद हम घर चले जाएंगे रामपुर। तो हमारी ये ट्रिप यही ख़त्म हो रही है। होपफुली आपको ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और अच्छा हमारे साथ आप टिके रहे होंगे और आपको हमारी टूर्स पसंद आई होंगी। आप भी यहाँ आएंगे किसी दिन, डेफिनेटली आपको आना चाहिए। हाँ, और बहुत मजे करोगे, ये मेरी गारंटी है। और चाचा के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आप बताना ब्लॉग्स कैसे लगे कमेंट्स में, और अगर आपको लगता है हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो भी कमेंट्स में बताना। सर हम लोग निकल गए हैं और इस ट्रिप को भी इंजॉय करेंगे जाते जाते साथ के साथ। और ये वाला एरिया श्याम खेत का स्टार्ट हो गया है, टी गार्डन का, बिल्कुल घर के पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये आ गया टी गार्डन का एरिया, यहाँ से टी गार्डन अंदर जाने का रास्ता है, इस वाली साइड से ये गेट है टी गार्डन के अंदर जाने का। मैंने टी गार्डन पे एक स्पेशल व्लॉग बनाया हुआ है जिसमें मैं घोड़ाखाल मंदिर भी आया था और टी गार्डन आया था, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे व्लॉग में जाके टी गार्डन को पूरा। भवाली से हम लोग पहुंच गए घर हल्द्वानी और इसके बाद भैया भाभी जाएंगे रामपुर और रामपुर से जाएंगे अपने गाजियाबाद। बहुत मजा आया और लास्ट में अंकल जी से भी मिलना हो गया चलते चलते। बहुत ही मजा आया, मैं गिन नहीं सकती हूँ कितनी जगह घूमे हैं। तो अगली बार फिर आना है, फिर आना है, जरूर आना। अब भैया भाभी के जाने का टाइम आ गया और ये लोग निकल रहे हैं रामपुर के लिए। और भाई फाइनली लास्ट में ट्रिप एंड के टाइम में अंकल जी का भी आशीर्वाद मिल गया, उनसे मिल लिए, बहुत अच्छा लगा। मैन शुड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ वाइफ। अब ये लोग जा रहे हैं, अगली बार जब आएंगे हम मिलेंगे तो ये लोग फिर आपसे मिलेंगे, फिर मिलते रहेंगे। सो उनके ब्लॉग्स को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। तो फाइनली भाभी यहाँ से ड्राइव करके लेके जा रही हैं। अभी तक भैया ने ड्राइव करी थी पूरे पहाड़ों पे और विशी पीछे बैठी है। यही मेरा ठिकाना है, ये इसका ठिकाना है। तो अभी बाय, मिलते मिलते हैं जल्दी। ओके बाय बाय।